ये सवाल ये है कि छोटे बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं, 1 साल 2 साल के, तो बहुत सारे मकामात पर उनको कुछ पैसे मिल जाते हैं, 100 रुपया 200 रुपया किसी ने हाथ पकड़ा लिया, ईद के मौके पर बहुत सारे लोग पैसे देते हैं। तो सवाल ये है कि उन पैसों को सर्फ करने का हक है वालिदैन को, या फिर उन पैसों को संभाल करके रखना पड़ेगा और बाद में जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनको लौटाना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर दो अहम मसले हैं इस सवाल के अंदर। ये मसला पेश आता है अक्सर लोगों को कि अगर छोटे बच्चे को किसी ने गिफ्ट दिया है पैसा वगैरह, तो पहला सवाल ये है कि उस पैसे को अपने पास रखने का हक किसको है, माँ को है या बाप को है। जाहिर है बच्चा तो अभी छोटा है, जब तक बच्चा छोटा है तब तक पैसा उसके हवाले नहीं किया जाएगा। अगर बहुत मामूली रकम है, 10-5 रुपया या जिसको हम बहुत मामूली रकम कहते हैं, तब तो बच्चे को दे सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी बड़ी रकम है तो बच्चे को नहीं दिया जाएगा कि बच्चा उसको जाया ना कर दे। और ये बच्चे की मसलहत में है, बच्चे के हक की हिफाजत करने के लिए हमारी शरीयत ने बच्चों को माल देने से मना किया है ताकि वो जाया ना कर दे। तो सवाल ये है कि वो रकम कौन रखेगा। जाहिर है जो उसका जिम्मेदार है उस रकम को अपने पास वो रखेगा। अब वो रकम रखने की जिम्मेदारी या उसका हक बाप को है या माँ को है, तो सही बात यह है कि बाप उसका वली है और उस रकम की हिफाजत बाप करेगा, उस रकम को बाप अपने पास रखेगा। दूसरा सवाल यह है कि उस रकम का किया क्या जाएगा। उस रकम को जो है उसके साथ दो तरीका अख्तियार किया जा सकता है। एक तो ये कि उस रकम को बच्चे के किसी काम में खर्च कर दिया जाए, बच्चे की किसी मसलहत में, बच्चे के किसी भी काम में, किसी भी मसलहत में उस रकम को खर्च किया जा सकता है। दूसरा ये कि आप उस रकम को रखें, जब बच्चा बड़ा हो जाए तब उसको दें। लेकिन वो रकम इतनी बड़ी नहीं होती है कि उसको आप सालों साल संभाल करके रखें। मान लीजिए 100 रुपया 200 रुपया है, अगर उसको आप 10-15 साल रखेंगे तो 10-15 साल में उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो लिहाजा ज्यादा ज्यादा मुनासिब ये है कि बच्चे की किसी मसलहत में उसको खर्च कर दिया जाए। आप बच्चे को कुछ खिला पिला दें, बच्चे को कपड़ा दिलवा दें, बच्चे को खिलौना दिलवा दें, कोई भी ऐसी मसलहत जो बच्चे की मसलहत हो उसमें उसको उसका बाप खर्च कर सकता है।